हेलो माय लवली व्यूअर्स, आमी प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल प्रियंकास टाइम स्टोरी। सो बंधुरा, आज के आमी तुम्हारे साथ परिचय करिए देव सूरतेर एक भीषणी पॉपुलर फैशन हाउस एवं क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कम्पानी अजमीरा फैशन एवं तार फाउंडार श्री अजय अजमीराजी साथे। तो तार सृजनशील भावना चिंतार जोन्नो प्रचुर 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 बेकार मानुष आज के निजे पाए दाड़ाते पेरेछे। तो चलो बंधुरा, भिडियोटा एकदम लास्ट पर्यंत देखार अनुरोध रइलो। आशा करी आजकेर भिडियो थेके तोमरा অনেক কিছু ইনফরমেশান কালেক্ট করতে পারবে। আর কোনো রকমের ইনফরমেশান যদি দরকার হয়, লাস্টে একদম হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, সেখানে তুমি কল করতে পারো। মোস্ট অ্যাডমায়ার্ড ম্যানুফ্যাকচারার অফ উইমেন্স অ্যাপারেলস ইন গুজরাট, বেস্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্ট সারি, বিগেস্ট ম্যানুফ্যাকচারার ইন সুরত ফর কোয়ালিটি এন্ড সাপ্লাই, জেসে কই অ্যাওয়ার্ড জিত চুকে অজয় অজমীরা জি লগভগ 25 সাল পহলে সুরত মে আপনি পাঁও জমানে গে আর শুরুয়াত মে কপড়া বাজার মে বতর ব্রোকার কাম করনে লগে। कड़ी मेहनत करके उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ये सूरत के एक लीडिंग साड़ी मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। और दोस्तों, अब इन्हें इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि सूरत के अंदर ये संभवतः पहले ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हाउस हैं जिसने डीलर और होलसेलर को जिस रेट पर माल दिया जाता है, उसी रेट पर छोटे दुकानदारों, रिटेलर्स और धंधा शुरू करने की चाहत रखने वाले लोगों को भी माल उपलब्ध कराना शुरू किया, ताकि भारत के अंदर अधिक से अधिक लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें और स्वावलंबी बन सकें। तो आइए आज अजय अजमीरा जी से उनके अनुभवों के आधार पर जानते हैं कि कम लागत में कैसे शुरू कर सकते हैं साड़ियों का बिजनेस। अजय जी से हमारा पहला प्रश्न था, बिजनेस करना बहुत कठिन काम है, हम अधिक पढ़े लिखे भी नहीं हैं और पैसा भी कम है, फिर बिजनेस कैसे कर सकते हैं। इस पर अजय जी समझाते हैं कि हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है और फिर आगे उसे मेहनत के बलबूते ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। जैसे अगर आपको सीढ़ी के माध्यम से ऊपर छत तक जाना है, तो सबसे पहले आपको अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखना होगा, फिर धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी कदम बढ़ाते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। आज आप कोई भी काम करें तो वह छोटे से ही शुरू होगा, परंतु कुछ दिनों बाद ही वही कारवां लाखों करोड़ों तक हो जाएगा। जरूरत है तो बस पूरे जुनून के साथ काम करने की। अजय जी यही बात समझाते हुए एक और बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। और ये काम तो इतना इजी है सर, मैं बोलता हूँ फर्स्ट टाइम खाली आप एक हिम्मत दिखाइए। मतलब क्या बोलते हैं, जब रात को गाड़ी लेके अपन निकलते हैं तो गाड़ी की रोशनी से सर कितना दिखता है अपने अंधेरे में, 10 फीट का दिखता है। ठीक है, अगर मैं वही ये सोच के बैठा रहूं कि नहीं मुझे तो 10 ही फीट दिख रहा है, मैं आगे कैसे जाऊंगा, जी बिल्कुल, आप 10 फीट चलिए फिर आगे आपको 10 फीट का दिखने लगेगा। उसी गाड़ी से 500 किलोमीटर का रात भर में सफर कर लेते हैं अपन, उसी 10 फीट की रोशनी से जी। तो वही बड़ी बात है, आप खाली एक कदम बढ़ाइए, 10 फीट आप चलिए, अपने आप आगे का रास्ता आपको नजर आने लगेगा। दूसरा प्रश्न, हमें साड़ी का बिजनेस करने के लिए क्या क्या करना होगा। देखिए, यहाँ साड़ियों का बिजनेस करने से मेरा मतलब है कि आप किसी साड़ी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से माल खरीद कर लाते हैं और उसे रिटेल में बेचते हैं। साड़ी के बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। कम से कम लागत में माल उठाइए, प्रोडक्ट की गुणवत्ता व डिजाइन का पूरा ख्याल रखिए और उचित मार्जिन के साथ माल अपने ग्राहक को बेचिए। तीसरा प्रश्न, हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए माल कहाँ से खरीद सकते हैं। भारत में इसके लिए सूरत से अच्छी कोई जगह नहीं है, यह भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है। यहाँ आपको हर रेंज, हर क्वालिटी और मनचाही मात्रा में सामान मिल जाएगा। यदि आप नया व्यापार कर रहे हैं या अपने साड़ियों के व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप हमसे यानी अजमेरा फैशन से भी जुड़ सकते हैं। चौथा प्रश्न, क्या साड़ियों या अन्य लेडीज वेयर के लिए दुकान खोलकर काम करना जरूरी है। जी नहीं, आप अपने घर से भी ये काम कर सकते हैं। अजमेरा फैशन के साथ मिलकर कई लोगों ने घर से ही ये काम शुरू किया है और बाद में अपनी दुकान खोल ली। आप चाहें तो कुछ माल मंगाकर फुटपाथ पर लगने वाले बाजार या गांव में लगने वाली हाटों में भी बेच सकते हैं। आप कुछ लड़के लड़कियों को कमीशन बेसिस पर रखकर डोर टू डोर मार्केटिंग भी करा सकते हैं। मैं घर से ही काम करती हूँ। मैंने आना पहले मैंने बहुत पहले मैंने बाहर सूरत से काम किया था, तब मुझे लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा आएगा, कपड़ा अच्छा आएगा, लेकिन बहुत बार मेरे साथ ऐसे गलत हुआ। मैंने जो क्वालिटी सोची थी वो क्वालिटी आई नहीं। फिर मैंने एक साल से अजमेरा फैशन का नाम यूट्यूब पे सुना, तब से मुझे उन पर बहुत ट्रस्ट है। उन्होंने बहुत अच्छा माल मुझे दिया, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली, तो उसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला, उनके काम से मैंने और भी 10 लेडीज़ को काम करना
का बताया, तो वो लोग भी मेरे साथ जुड़ गई और वो लोग भी मेरे साथ काम करने लग गई। पांचवा प्रश्न, लेकिन मैंने या मेरे परिवार में पहले कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है? जी नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसे बिना अनुभव के भी शुरू कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए बस आपको पैसा गिनना आना चाहिए। छठवां प्रश्न, कपड़ों की बात की जाए तो इसमें तो हजारों चीजें हैं, हम किस तरह के कपड़ों से शुरुआत करें? मेरा मानना है कि अन्य चीजों की अपेक्षा साड़ी, सूट व महिलाओं की पसंद के कपड़े का बिजनेस शुरू करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि एक तो इनकी डिमांड अधिक होती है, शादियों, त्योहारों, लेन देन हर समय इनकी जरूरत होती है, और दूसरा इसमें आप बहुत कम पैसे में अच्छा खासा माल भी रख सकते हैं, और रेडीमेड होने के कारण आपको बस इस फिनिश प्रोडक्ट को सही ग्राहक तक पहुंचाना होता है। सातवां प्रश्न, यदि मुझे साड़ियों का बिजनेस करना है तो शुरू में कितनी पूंजी लगानी होगी? शुरुआत तो आप कुछ हजार रुपए से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सूरत आकर थोक बाजार से कुछ साड़ियां खरीदनी होंगी और फिर अपने गांव शहर जाकर उसे बेचना होगा। लेकिन यदि आप खुद सूरत नहीं आना चाहते या आकर भी अपने साथ माल नहीं ले जाना चाहते, तो आपको कम से कम 25,000 रुपए का माल ऑर्डर करना पड़ेगा और हम पार्सल द्वारा उसे आपके घर तक पहुंचा देंगे। दरअसल पार्सल वाले इससे कम का माल ट्रांसपोर्ट नहीं करते, इसलिए कम से कम 25,000 रुपए का माल तो लेना पड़ेगा। आठवां प्रश्न, क्या हमें सूरत आकर ही माल लेना होगा या हम घर बैठे भी माल मंगवा सकते हैं? जहां तक अजमेरा फैशन की बात है, हम व्हाट्सएप द्वारा कैटलॉग व रेट लिस्ट भेज सकते हैं और आप उसे देखकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी साड़ियां देख सकते हैं, लेकिन यदि आप एक बार विजिट करें तो बेहतर होगा। नौवां प्रश्न, लेकिन सूरत में तो लाखों दुकानें हैं और कई जगह ठगी भी है, तो हम माल लेने के लिए सही दुकान कैसे ढूंढें? देखिए, थोड़ी बहुत ठगी जरूर है, लोग माल दिखाते कुछ हैं और दे कुछ और देते हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर दुकानदार ईमानदार हैं। अगर अजमेरा फैशंस की बात करें तो हमें तो हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ईमानदारी के लिए ही जाना जाता है, और हाल ही में हमें मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान से प्रगति इंटरनेशनल एक्सलेंस अवार्ड्स में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट साड़ी का अवार्ड भी मिल चुका है। दसवां प्रश्न, हम अजमेरा फैशन की शॉप तक कैसे पहुंचे? हमारी दुकान रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट में है, पूरा पता आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही आपकी आसानी के लिए हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जो रेलवे स्टेशन से उतरकर हमारी दुकान तक कैसे पहुंचा जाए बताता है। डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक देखें और आसानी से आप हम तक पहुंच पाएंगे। ग्यारहवां प्रश्न, क्या वहां आकर माल लेने और फोन पे ऑर्डर करने में रेट का अंतर आएगा? जी नहीं, रेट फिक्स है, आप किसी भी माध्यम से माल ले सकते हैं। बारहवां प्रश्न, क्या बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के भी आपसे माल खरीदा जा सकता है? जीएसटी के बगैर भी आप परचेज कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन आपका साल के पूरे ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। Okay. हम पैन कार्ड या आधार कार्ड के ऊपर उनको माल भेज देते हैं। तेरहवां प्रश्न, क्या हम अपनी खुद की डिजाइन भी बनवा सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए आपको कम से कम 500 पीसेस का ऑर्डर देना होगा। चौदहवां प्रश्न, क्या हम साड़ियों में कोई वैल्यू ऐड करा सकते हैं, जैसे अलग से बॉर्डर लगवाना? जी हाँ, और इसके लिए आपको सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल के पैसे देने होंगे, किसी और तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। पंद्रहवां प्रश्न, साड़ियों के बिजनेस में हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं? यदि आप किसी अच्छे शोरूम में साड़ियाँ या अन्य कपड़े बेच रहे हैं तो माल लगभग दोगुने दाम में बिक जाता है, लेकिन यदि आप घर पर ही बैठकर काम कर रहे हैं तो भी आप कम से कम 25-30% तक मुनाफा कमा सकते हैं, यानी 100 रुपए की साड़ी को आप आराम से 125-130 में बेच सकते हैं। सोलहवां प्रश्न, साड़ियों का कलर तो नहीं जाएगा? जी नहीं, कलर नहीं जाएगा, कलर की गारंटी है, और नहीं साड़ियाँ श्रिंक करेंगी या सिकुड़ेंगी, हम हमारे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। सत्रहवां प्रश्न, साड़ियाँ किस रेंज में मिल जाती हैं? रेंज मात्र 45 रुपए से शुरू हो जाती है और ये 4,000 रुपए प्रति साड़ी तक जा सकती है। 18वां प्रश्न, क्या माल पसंद ना आने पर या ना बिकने पर उसे वापस किया जा सकता है? जी हाँ, आप उसे वापस कर सकते हैं। 19वां प्रश्न, अजमेरा फैशन के यहाँ क्या क्या मिल सकता है? हमारे यहाँ कपड़ों की पूरी रेंज है, आपको यहाँ पर हर तरह की साड़ी, कुर्ती, लेगिंग, ब्लाउज, गाउन, टॉप्स इत्यादि मिल जाएंगे। 20वां और आखिरी प्रश्न, इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या आप हमें कोई और टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी बिजनेस में ये दो तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी हालात और परिस्थिति का रोना मत रोइए,
काम करना है तो करना है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त आप खुद ही हैं। कभी भी किसी असफल आदमी से बिजनेस की सलाह न लें, किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से ही बिजनेस की बात करें। इसके अलावा अजमेरा जी अक्सर कहते हैं, 9 से 7 की जो नौकरी करते हैं, स्पेशली उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नौकरी को करते हुए आप घर पे अपनी सिस्टर है, मम्मी है, दीदी है या कोई भी जो घर पे है, आप उनको करवाइए। थोड़े एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट करवाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो आप अपनी नौकरी छोड़ के इसमें डाइवर्ट हो जाइए। आपको लगता है कि मैं जो पैसा अभी कमा रहा हूँ नौकरी में जो मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा मैं इसमें कमा सकता हूँ, तो शॉप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी इतना लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी, तो जिस रेट पे लोन मिलता है, तो लोन लेके अगर आप करना चाहते हैं तो लोन लेके भी करके बड़ी दुकान भी कर सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट मैं यही कहूंगा, आप मेरा वीडियो देख के, कई लोगों से मेरी बात होती है, वीडियो देखते हैं बोले हम इतने मोटिवेट हुए, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी सर और मैं बस मुझे साड़ियों का ही काम करना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एकदम से उग्र होके कोई भी डिसीजन ऐसा ना ले जिससे अपने को तकलीफ है। काम जमाने के बाद आप नौकरी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जहाँ कर रहे हैं वो करते रहिए, साइड में इसको थोड़ा थोड़ा करवाइए, फिर इसको अच्छा लगता है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। তো বন্ধুরা, এটা ছিল আজমিরা ফ্যাশন এবং আজমিরা ফ্যাশনের কর্ণধার শ্রী অজয় আজমিরাজির কিছু বিজনেস টিপস। টিপসগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে বলো, আর অজয় আজমিরাজিকে থাকলো আগামী ভবিষ্যতের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা এবং শুভকামনা। উইশ করি উনি আরও অনেক 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 ওপরে উঠে যাক এবং আমাদের মতন সবাইকে অনেক হেল্প করুক। আর যদি তোমাদের কোনো হোয়াটসঅ্যাপের কোয়ারিজ থাকে অবশ্যই তোমরা এখানে আমাকে কমেন্ট করতে পারো, বা হোয়াটসঅ্যাপে কল করে বা কথা বলে সেগুলো রিসলভ করতে পারো। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে একদমই ভুলো না। তো আজকের মতন আমি বিদায় নিলাম, চলে আসবো অন্য কোনো দিন নতুন কোনো এক্সাইটিং ব্লগ নিয়ে।